जब बात होती है बटेर पालन की, तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि आप बटेर पालन करके हजारों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं सुना कि बटेर पालन की सही प्रोसेस क्या है, कि बटेर पालन में हमारे जो फार्मर भाई जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और उन्हें नुकसान हो जाता है, तो बटेर पालन की सही प्रोसेस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बटेर पालन की सही प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। तो चलिए बटेर फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। बटेर फार्मिंग में सबसे पहले जो हमारे फार्मर भाई को बात जो है वो ध्यान में रखनी होती है, ब्रूडिंग की। बटेर का जो चिक्स होता है वो इतना छोटा होता है, उसका वज़न लगभग 10 ग्राम के आसपास का होता है, तो वो काफ़ी छोटा होता है। आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं ये लगभग 2.5 साल पुराना, जब मैंने बटेर फार्मिंग स्टार्ट की थी। और बटेर फार्मिंग की शुरुआत में मुझसे यह गलती हुई थी कि मैंने 1000 बच्चों की ब्रूडिंग एक साथ की थी, एक बड़े से ब्रूडर को बना के, और जिसके कारण बच्चों को ठीक से टेम्परेचर नहीं मिल पाया और एक ही रात में लगभग 300 से 400 बच्चों की मोर्टिलिटी हो गई थी, क्योंकि वो हीट लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और जिसके कारण नीचे दबने वाले बच्चे की डेथ हो रही थी। और ये रेशो लगभग हमारा 2-3 दिन चलता रहा, तो मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये ब्रूडिंग कैसे होगी और क्या होगी। तो मैं आज की वीडियो में जो हमारे नए फार्मर जो बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं उनको ब्रूडिंग की सही प्रोसेस बताऊँगा अपने अनुभव के आधार पर। अगर हम 1000 से 1500 बटेर के चिक्स की ब्रूडिंग कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि ब्रूडर जो हम बनाएंगे उसका साइज़ कितना होगा। हमें हमेशा जो ब्रूडर का साइज़ रखना है वो रखना है 4x4 का। 4x4 के ब्रूडर में हम लगभग 350 बच्चों की ब्रूडिंग आसानी से कर सकते हैं। हमारा ब्रूडर अगर छोटा रहेगा तो छोटे ब्रूडर में तापमान को जो हमें मैनेज करना होता है, टेम्परेचर को जो बना के रखना पड़ता है, वो आसानी से बना सकते हैं। और जितने हमारे पास छोटे ब्रूडर रहेंगे उतना ही हमें बटेर की ब्रूडिंग करने में आसानी होगी। ये ब्रूडर हम प्लाई के द्वारा भी बना सकते हैं और लोहे की जो पतली चादर आती है उसके द्वारा भी बना सकते हैं, जिनकी हाइट हमें लगभग 14 इंच से 2 फीट तक रखनी है। और जब हम इस ब्रूडर में बल्ब लगाएंगे हीट देने के लिए, तो उस बल्ब की हाइट हमें कम से कम 1.5 फीट रखनी है। अगर ठंड हो तो हम उसकी हाइट और कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी हो तो हम उसकी हाइट बढ़ा भी सकते हैं। एक ब्रूडर में हमें 200 वाट के सादे बल्ब लगाने हैं, और अगर ठंड ज़्यादा हो तो हम 500 वाट की हेलोजन रॉड का भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके एरिया में लाइट की अगर दिक्कत हो, पावर कट अगर होते रहता है, तो आपको गैस ब्रूडर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बटेर पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको गैस ब्रूडर ख़रीदना ही होगा। अगली जो बात का हमें ध्यान रखना है वो है ह्यूमिडिटी। अगर बटेर के ब्रूडर रूम में बहुत अधिक तापमान हो रहा हो तो हम एक छोटी सी खिड़की भी वहाँ रखनी है, जिससे हवा आ और जा सके और ह्यूमिडिटी बढ़ने पर हम उसको हवा के द्वारा कंट्रोल कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपने बटेर के ब्रूडिंग रूम में हूँ और हमारे जो सारे बटेर हैं उनको हीट इतनी अच्छे से मिल रही है प्रॉपर, कि वो पूरे ब्रूडिंग रूम में अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, वो पास पास में जमा नहीं हो रहे हैं। तो ब्रूडिंग का तरीका हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि बटेर जो है उसको टेम्परेचर की किसी तरीके से कोई कमी ना हो और वो आराम से सर्वाइव करता रहे ब्रूडिंग के अंदर। ये थी बटेर की ब्रूडिंग को लेके कुछ प्रमुख और मुख्य बातें जो हमें ब्रूडिंग के दौरान याद रखना है। और इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बटेर को चिक्स को शुरुआती 5 दिन में हमें क्या देना चाहिए, क्यों हमें गुड़ का पानी नहीं देना चाहिए, क्या हमें मल्टीविटामिन देना चाहिए, क्या हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।